एवरीवन, आज के इस वीडियो में देखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि CS IIT 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। यूनिट 1 और 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में देखने वाले यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि यूनिट 4 और 5 और अन्य सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द से जल्द आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और इसका स्नैपशॉट आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सभी क्वेश्चन पा सकेंगे PDF में। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, क्राइटेरिया टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मॉड्यूलरिटी एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ये क्या है, स्ट्रक्चर चार्ट, रूल्स ऑफ ड्राइंग गुड स्ट्रक्चर चार्ट विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 क्या है, कपलिंग एंड इट्स टाइप, यानी कपलिंग क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम के नज़रिए से। ये क्या है, मॉड्यूल कोहेजन और इसके टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कपलिंग और कोहेजन में डिफरेंस भी पूछ देता है कभी कभी, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में जो 2019 का पेपर हुआ था वो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फंक्शनल इंडिपेंडेंसी, व्हाई इट्स की फैक्टर ऑफ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी की इंडिपेंडेंसी क्या होती है, और जो हमारा फंक्शनल इंडिपेंडेंसी है वो गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का की फैक्टर क्यों है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, तो फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में डिफरेंस है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सॉफ्टवेयर मेट्रिक, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर मेजरमेंट। और इस पर शॉर्ट नोट भी दे देगा आपको लिखने को कभी कभी, ऑब्जेक्ट मैसेज और एब्स्ट्रैक्शन क्लास इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म में। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, डिफरेंट टेक्निक टू एस्टिमेट साइज ऑफ प्रोग्राम। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉलिस्टिक सॉफ्टवेयर साइंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, टोकन काउंट, न्यूमेरिकल भी इस पर आता है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करके जाइएगा सेमेस्टर एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है लास्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हमारा हुआ यूनिट 3 कम्प्लीट। अगर हम जल्द से जल्द, अगर आपके रिस्पांस अच्छा रहा तो जल्द से जल्द 4 और 5 और सभी सब्जेक्ट के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।